अब इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है तो इतने रन तो एक्सपेक्टेड ही थे, एटलीस्ट 150, वो 176 रन और मोर देन रन अप बॉल आए हैं। हालांकि देखिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 4.5-5 के रन रेट से कुछ खेलेंगे ये, लेकिन 6 के ऊपर का रन रेट आया और 29 ओवरों में 176 रन आए, 2 विकेट गिरी हैं। बहुत अच्छा हो जाता अगर ये एक और विकेट लेने में इंडिया कामयाब हो जाते, और ये 3 विकेटों के नुकसान पे। अबे भाई वो तो बंदे देखो उस पूरी सीरीज में उसने बड़ा पॉजिटिव खेला, लेकिन ही अनफॉर्चुनेटली ही डेंट गेट अ चांस टू गेट अ बिग स्कोर, बट टुडे ही गॉट हिज सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, एंड ही रियली बैटेड, मतलब बहुत ही सैवेजली उसने बैट किया यार। और ये जो एक मतलब अभी मैं अश्विन का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उसने अच्छी बात की, उसने कहा कि यार ये टीम जो है ना ये आपको प्रेशर में डालती है, इंग्लैंड की टीम, और मतलब दे रियली टेस्ट यू, लेकिन द की इज के यू शुड कम अंडर प्रेशर। और बकौल अश्विन की ये टेस्ट मैच अभी भी नेक टू नेक है, ओपन है, आई अग्री विद दैट, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड ने अभी 205 कुछ किए हुए हैं और अभी तो उनको और 240 कर रहे हैं। वो कोई और टीम हो ना वो लड़खड़ा जाते हैं एडवांस है ना, हां जी होने के बावजूद, लेकिन ये ऐसे हैं कि इसको उनको कुछ समझ नहीं आता। हमारे जैसी अगर टीम हो ना तो हमारे जैसी टीम जितना आज इंग्लैंड ने किया ना उतने में ऑल आउट हो जाती है, इस तरह की कुछ भी अगर मिले तो इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म किया और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी सिर्फ 2 आउट हुए हैं, मुझे लगता है कि कम से कम इंग्लैंड हो सकता है कि 500 तक मार दे, कुछ भी कर सकता है। कल आते साथ बुमराह का अच्छा स्पेल देखने को भी मिल सकता है, सिराज का कुछ भी हो सकता है, या तो जडेजा अश्विन का अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है, इस पिच के ऊपर कुछ भी हो सकता है। टेस्ट मैच मेरा इंटरेस्टिंग हो गया, टेस्ट मैच की खासियत जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त होने पर इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 207 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया, जहां पर इंग्लैंड के 2 विकेट भी चले गए, जिसमें बेन डकिट ने एक दमदार सेंचुरी लगाई, जिसमें उन्होंने 118 बॉलों पर 133 रन बनाए और वो आज नाबाद भी रहे। वहीं पर इंग्लैंड ने ये बता दिया कि हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीतने को आए हैं, और इसलिए उन्होंने पहले टेस्ट मैच से ही अपने आक्रमण शुरू रखे और बेसबॉल को इंडियन कंडीशंस में भी अप्लाई किया। आज जब भारत बल्लेबाजी करने को आया तो भारतीय स्कोर 445 रन पर ही रुक गया और पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें ध्रुव जुरेल ने एक अच्छी पारी खेली 46 रन की, और उन्होंने बता दिया कि वो इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पूरी तरह रेडी है। वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने भी ऐसे आकर कुछ स्कोर बनाए और भारतीय टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, पर जिस तरीके से बेन डकिट ने लास्ट इनिंग में बैटिंग की, इस बैटिंग देखकर पूरी दुनिया चौंक गई और कहने लगी कि इंग्लैंड इस सीरीज को जीतने के लिए आया है, और इसलिए उन्होंने अपने इस खेलने के अप्रोच में चेंजेस लाया और ये अप्रोच इंडियन कंडीशंस में सूट कर रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। खैर ये पूरा सेशन तो जाहिर है कि आप कहेंगे कि इंग्लैंड के नाम ही रहा है, रन काफी आगे 176 रन आए हैं इस सेशन में 29 ओवरों में। तो टी पे मैंने आपसे अर्ज किया था कि 150 से 170 के बीच में रन तो आएंगे, क्योंकि अब इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है तो इतने रन तो एक्सपेक्टेड ही थे, एटलीस्ट 150, वो 176 रन और मोर देन रन अप बॉल आए हैं। हालांकि देखिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 4.5-5 के रन रेट से कुछ खेलेंगे ये, लेकिन 6 के ऊपर का रन रेट आया और 29 ओवरों में 176 रन आए, 2 विकेटें गिरी हैं। बहुत अच्छा हो जाता अगर ये एक और विकेट लेने में इंडिया कामयाब हो जाते, और ये 3 विकेटों के नुकसान पे। आपसे अर्ज किया था कि 2 विकेटें गिरेंगी तो जाहिर है कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा, अगर ये 3 या 3 से 1 आधा और ऊपर विकेट ले जाए, 3 भी लेते तो फिर भी कहीं ना कहीं इवनली पॉइज्ड काम हो जाता। देखो उस पूरी सीरीज में उसने बड़ा पॉजिटिव खेला, लेकिन ही अनफॉर्चुनेटली ही डेंट गेट अ चांस टू गेट अ बिग स्कोर, बट टुडे ही गॉट हिज सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, एंड ही रियली बैटेड, मतलब बहुत ही सैवेजली उसने बैट किया यार। और ये जो एक मतलब अभी मैं अश्विन का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उसने अच्छी बात की, उसने कहा कि यार ये टीम जो है ना ये आपको प्रेशर में डालती है, इंग्लैंड की टीम,
और मतलब दे रियली टेस्ट यू, लेकिन द की इज के यू शुड कम अंडर प्रेशर एंड बकौल अश्विन की ये टेस्ट मैच अभी भी नेक टू नेक है, ओपन है। आई अग्री विद दैट, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड ने भी 205 कुछ किए हुए और अभी तो उनको और 240 कर रहे हैं टू मैच इंडियाज फर्स्ट इनिंग्स टोटल ऑफ 445। लेकिन जिस रेट से इंग्लैंड जा रहा है, मतलब अभी जो है तकरीबन कोई तकरीबन छः की एवरेज है एंड थ्रू आउट द इनिंग्स जो इंग्लैंड ने अभी बैटिंग की है फर्स्ट इनिंग्स, दे वेंट एट 6 एट वन स्टेज, दे वर इवन हिटिंग 7, मतलब इतनी तेजी से वो बैटिंग कर रहे थे। और आप सोचें कि यार 34 ओवर में 200 कर चुके थे, मतलब आज इंडिया ने जब बैटिंग की, आप कंपैरिजन सिर्फ देखें कि इंडिया ने जब बैटिंग आज की, ठीक है टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं थे जडेजा के आउट होने के बाद, लेकिन इंडिया स्कोर अराउंड 119 रन्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन 50 ओवर्स, जो दो सेशंस हुए जिसमें इंडिया ने बैटिंग की, 50 ओवर में तकरीबन इंडिया ने कोई 119 के करीब ही सिर्फ किए, ठीक। और यहां पर आप देखें तो वो मतलब 34 ओवर में 200 कर चुके हैं, वो मतलब इतनी मार मारी उन्होंने, खासकर डकेट ने 450 जो किया है वो भी एक अच्छा टारगेट है, बुरा नहीं है वो। अभी इंग्लैंड ने वो उतारना है, लेकिन असल में इंग्लैंड की ना टेक्निक खेलने की बड़ी आउटस्टैंडिंग और बड़ी ना वो कोई और टीम हो ना वो लड़खड़ा रहे हैं लड़खड़ा होने के बावजूद, लेकिन ये ऐसे है कि इसको उनको कुछ समझ नहीं आता। हमारे जैसी अगर टीम हो ना तो हमारे जैसी टीम जितना आज इंग्लैंड ने किया ना उतने पे ऑल आउट हो जाती है इस तरह की कुछ भी अगर मिले तो। इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अभी सिर्फ 2 आउट हुए हैं, मुझे लगता है कि कम से कम इंग्लैंड हो सकता है कि 500 तक मार दे, कुछ भी कर सकता है। कल आते साथ बुमराह का अच्छा स्पेल देखने को भी मिल सकता है, सिराज का कुछ भी हो सकता है, तो जडेजा अश्विन का अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है, इस पिच के ऊपर कुछ भी हो सकता है। टेस्ट मैच मेरा इंटरेस्टिंग हो गया। टेस्ट मैच की खासियत इस मैच की ये है कि हर सेशन क्रिकेट चेंज हो रही है, हर सेशन में एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। आज के दिन के अंदर एक और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, वो ये थी कि अश्विन ने अपना 500 टेस्ट विकेट पूरा कर लिया, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको बड़े कम नाम याद आएंगे, मुरलीधरन, शेन वॉन, इसी के साथ साथ अनिल कुंबले, ये स्पिनर्स हैं, जिमी एंडरसन, वाहिद एक फास्ट बॉलर आपको नजर आएगा, फिर उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड आएगा, अश्विन आएंगे, फिर जाके डेल स्ट्रेन वगैरह आएंगे, तो ये बड़ा बड़ा अचीवमेंट होता है कि 500 विकेट। तो यू नो ही बैटेड मतलब फिरोशियसली टुडे, और बात वही है यार कि देखें ये इंग्लैंड टीम जो आई है ना, आई मीन ठीक है हर इंडियन क्रिकेट फैन चाहता है कि वो सीरीज जीते उसकी टीम, वाई नॉट, हम भी चाहेंगे पाकिस्तान जीते, लेकिन जो लास्ट ईयर भी जब ये आए थे पाकिस्तान, मतलब ये जिस तरह से खेलते हैं यार, मैं तो आपसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि मतलब कोई 5 टेस्ट मैचेज ऐसे हैं जिस 5 या 6 टेस्ट मैचेज ऐसे हैं जिसमें एक ही हारे ऑस्ट्रेलिया से, बाकी ये सारे टेस्ट जो है जीते हैं।